एंड वेलकम एवरी वन ऑन माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ हाउ डिड आई बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ एट द एज ऑफ 24। अभी दो तीन महीने के बाद मैं 25 ईयर्स की होंगी, तो अभी तो यही है कि आई बिकेम एट द एज ऑफ 24। इससे पहले भी मैंने तीन जगह जॉब किया हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट में आई वॉज वर्किंग विथ अ सीनियर, उसके बाद फिर मैं इंटीग्रियन में काम की थी, फिर मैं डेलॉइट में काम की थी, और अभी आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। आई विल बी टेलिंग अ लॉट अबाउट कि कैसे क्या रहा मेरा जर्नी और आप कैसे बन सकते हो। मेरे से पहले भी आप बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 24 ईयर्स में बनी, आप 23-22 ईयर्स में भी बन सकते हो, और कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने अपना स्टडी कैसे प्लान किया और आपने UGC नेट कब क्रैक किया, राइट? सो इफ़ यू नो अबाउट मी वेल एंड गुड, बट इफ़ यू डोंट, आई एम एडवोकेट प्रतिभा झा। आई कम्प्लीटेड माई BLLB इन द ईयर 2021। उसके बाद इन द ईयर 22 आई कम्प्लीटेड माई LLM। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग। फिर जून 2023 में मैंने अपना UGC नेट में नेट क्लियर करा था, राइट? सो मेरा कभी भी एज अ प्रोफेसर बनने का ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था, बट हाँ, फैसिनेटिंग हमेशा लगा है क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे रहे हैं। मैं जिस लॉ स्कूल में पढ़ी हूँ वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे रहे हैं, बट आई हैड नॉट विजन एवर कि मैं भी बनूंगी प्रोफेसर। दो ये मुझे बहुत फैसिनेट करता था, आई वॉन्टेड टू बी अ लिटिगेटर एंड आई स्टार्टेड माई करियर बींग एज अ एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दिल्ली। तो मैं वहाँ पर काम करती थी। फिर क्योंकि मैं बहुत, अभी भी मेरा उम्र उतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं तब अपना करियर जर्नी एज एडवोकेट 21 साल की उम्र में स्टार्ट की थी, और मुझे लगा कि नहीं, कुछ और भी करना चाहिए अभी, थोड़ा अपना डिमेंशंस बढ़ाने चाहिए। सो फिर कॉर्पोरेट का मैंने सोचा। उससे पहले मैंने अपना LLM ख़त्म किया, तो 22 में आई कम्प्लीटेड माई LLM। LLM भी ख़त्म हो गया था। फिर ये था कि क्या PhD करूं, क्योंकि दैट वाज कि हाँ, PhD तो मुझे करने हैं, PhD करूं या फिर क्या करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग आफ्टर माय LLM। मैं अपना काम शुरू की, फिर कॉर्पोरेट की तरफ मन किया। तो फिर कॉर्पोरेट का यही सवाल पूछते हैं कि आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस क्या है। मैं थी लिटिगेटर उस टाइम में, तो काफ़ी जगह पे मुझे ये रिजेक्शन मेल्स भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे रिजेक्शन मेल्स नहीं आए हैं, उन्होंने रिजेक्शन मेल में यही कहा कि मैम, आप तो एडवोकेट हैं, आप तो प्रैक्टिस करती हैं, हमें कॉर्पोरेट का नॉलेज चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना प्रैक्टिस के साथ साथ मैं कॉर्पोरेट में क्या ज़रूरी होता है, आपको क्या सब चीज़ जानना चाहिए, वो सब चीज़ मैं अपना पढ़ना कोशिश की कि ठीक है, साइड बाय साइड पढ़ते रहूँ। देन फिर इंटीग्रियन हुआ, फिर इंटीग्रियन मेरा फर्स्ट लाइफ का कॉर्पोरेट यू नो एक्सपीरियंस था। सो आई वर्कड इन इंटीग्रियन एज द लीगल एसोसिएट। मैं वहाँ महीने भर ही काम की, जब मुझे डेलॉइट से ऑफर मिल गया था। फिर डेलॉइट से ऑफर मिलने के बाद मैं इंटीग्रियन जो नोएडा में है वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैं डेलॉइट, बट आई डिड नॉट गेट गुड़गांव या दिल्ली लोकेशन मुझे नहीं मिला था। मुझे चूज़ करने को मिला था कोलकाता या हैदराबाद, तो मैंने कोलकाता चूज़ किया। सो आई फ्लू टू कोलकाता फॉर दिस न्यू पोजिशन जो कि लीगल एनालिस्ट का वहाँ पे था। लीगल एनालिस्ट का पोजिशन पे मैं वहाँ पे काम की, और फिर मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गया कि मुझे कोर्ट में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे अपने लॉ स्कूल में ज़्यादा मज़ा आया थे। सो आई थॉट कि ऑलरेडी मैं इतना टाइम काम भी कर चुकी हूँ, अभी पढ़ाई में मेरा उतना लंबा ब्रेक लगा नहीं है, तो एक चांस लेते हैं। और डेलॉइट वॉज डेफिनेटली अच्छा खासा मुझे पे कर रहा था। डेलॉइट का बहुत ही कूल और बहुत फैंसी कल्चर है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेरा था वहाँ पे। बट आई थॉट कि नहीं, इस सब चीज़ों में मैं यदि पढ़ जाऊँगी तो जो मेरे एक्चुअल गोल्स हैं लाइफ के वो कहीं पीछे छूट जाएंगे, तो एक डिसीजन तो लेना ही होगा। सो आई टुक दिस डिसीजन टू रिज़ाइन डेलॉइट, जबकि डेलॉइट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम कंपनीज टू वर्क। तो दिल में कहीं ये भी हो रहा था कि क्या करूँ, रिज़ाइन कर दूँ या रहूँ, क्योंकि मज़ा भी आ रहा था। ऊपर से इट वॉज़ अ वेरी फैंसी कल्चर, इट वॉज़ अ वेरी फैंसी कॉर्पोरेट कल्चर,
एंड सैलरी पे पैकेज भी मेरा बहुत अच्छा था, तो एक होता है एक डिलेमा होता है कि नहीं अब मुझे जीरो स्क्रैच से शुरू करनी होगी, तो क्या रिस्क लेना चाहिए या नहीं। सो आई थॉट कि ठीक है अभी हाँ ना वाला सिचुएशन आ रहा है, और मेरा लाइफ का एक रूल है जब जिंदगी में बहुत ज़्यादा हाँ ना होने लग जाए ना, तो आप ना ऑप्शन यूज़ करो, क्योंकि आप यदि उतने श्योर होते तो आप शायद ना इतना नहीं आता, आप उतने डिलेमा सिचुएशन में नहीं जाते। सो ठीक है मैंने अपना वो ना पे, जो कि मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि जब ऐसे डाइसी सिचुएशन में आए ठीक है तो ना पे जाए वरना आप रिस्क लीजिए, मैं रिजाइन करी वहाँ पे। एंड देन आई वॉज क्लूलेस कि क्या करना है लाइफ में, वॉट टू डू अबाउट इट। सो अभी कुछ UGC नेट का ये भी था कि PhD के लिए भी अब UGC नेट ही अपने तरफ से कराएंगे, PhD नेट GRF, अब तीन हो गया है UGC नेट का ठीक है। मेरा नेट ऑलरेडी क्लियर था, मेरा GRF नहीं हो पाया था लास्ट टाइम में, और नेट GRF जिनको नहीं पता होगा दो अलग एग्जाम नहीं है, सेम एग्जाम है, यानी कि सेम पेपर में मान लीजिए कि 200 नंबर आपके आए, मैं एक जनरल बता रही हूँ, आपके कट ऑफ अलग भी हो सकते, 200 नंबर है, 300 का पेपर होता, मान लीजिए आपका 200 आया तो आपको नेट आ गया, 230 आया और वो कट ऑफ है तो वो आपका GRF आ गया, मार्क्स के हिसाब से आपको नेट मिलता है या GRF मिलता है ठीक है। तो मेरा नेट तो काफ़ी पहले ही क्वालिफाई था, मैं जब कॉरपोरेट में काम कर रही थी मेरा तभी उसी वक्त क्वालिफाई था, बट मुझे लॉ स्कूल में ऐसे पढ़ाने का मैंने अभी तक कुछ विजन ऐसा सोचा नहीं था कि चलो पढ़ाना है या फिर कुछ ऐसा क्या करना। डेफिनेटली इट्स वेरी फैसिनेटिंग प्रोफाइल, बट होता है ना कि आपको हर चीज़ें सही वक्त पे ही आपको समझ भी आती है और आपको वही चीज़ मिलता है, जब आपका वक्त आएगा आपको वो चीज़ मिलेगी और आपको समझदारी भी उसी वक्त आएगा राइट। तो इस साल था UGC नेट का, मैं सोची कि देती हूँ, GRF का देखते हैं, GRF हो जाए तो मैं अपना PhD स्टार्ट करती हूँ, फिर एग्ज़ाम के लिए मैं सोची चलो ठीक है रिज़ाइन तो अब कर दिए हैं, फिर मैं कोर्ट जाना भी अपना शुरू की, एंड एज वेल मैं साइड बाय साइड अपना पढ़ना शुरू की कि चलिए नेट का एग्ज़ाम देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल का नेट का एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया था, री एग्ज़ाम अब होगा, अभी तक तो डेट्स एग्जैक्टली पता नहीं चले हैं, तो वो हो गया था एग्जाम कैंसिल, एंड आई वॉज लाइक वेरी सैड कि चलो क्या है। बट नेट के साथ आप मैं PhD का आराम से, क्योंकि नेट जो होता है आपका हमेशा के लिए वैलिड होता है, GRF एक साल के लिए वैलिड होता है ठीक है, नेट आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपका वैलिड होता है, तो मैं अपने पुराने सर्टिफिकेट के साथ भी मैं अपना एडमिशन वगैरह ले सकती थी, और मुझे यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना था मैं एलिजिबल थी। तो मैंने देखा कि चलो घर बैठ के तो मैं ज़्यादा दिन ऐसे नहीं फ्री में बैठ सकती हूँ, कोर्ट में मज़ा तो आ रहा था बट ओबियसली मुझे देखना था कि चलो अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मुझे कभी आया नहीं और एक गैप मेरे लाइफ में कभी रहा नहीं है, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ लेते ऑप्ट करती आई हूँ, एंड क्या लाइफ में आगे बढ़ना है वो करते आई हूँ। तो ये था कि नहीं अब नेट है, अभी UGC नेट वाले का री एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, तो मैं सर्च करना शुरू की लॉ वैकेंसीज कहाँ कहाँ हैं। तो मैंने सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में अपना अप्लाई किया था, ग्रेटर नोएडा के GGIPU, ये गुरु ग्रंथ आई थिंक इंद्रप्रस्थ IP यूनिवर्सिटी का था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू ले, और क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ नहीं, मैं अपने होम स्टेट झारखंड में हूँ, तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, उन्होंने मेरा अग्री करा ठीक है वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो मेरे तीन राउंड्स हुए थे उसमें, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और फाइनल राउंड के लिए मुझे दिल्ली आना था, और उसके लिए बड़े शॉर्ट नोटिस पे दिए थे। तो दो राउंड का जब मैंने इंटरव्यू किया, मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि ये कोई अपना जॉब के लिए देख रही है, तो दो राउंड मेरा क्लियर हो गया। थर्ड राउंड में मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस की, तो फिर माय मॉम वाज लाइक कि चलो ठीक है यू गो, बट माय डैड वाज लाइक कि अभी तुम जॉब करती आई हो, पढ़ाई करती आई हो, व्हाई डोंट यू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ एंड आप अपना जुडिशरी के लिए पढ़ाई करो। एंड एक तरफ से उनका था कि चलो आप थोड़ा टाइम दो जुडिशरी के लिए, क्योंकि अभी तक आप लिखे भी नहीं हो और आप वक्त भी नहीं दिए हो खुद को, वक्त नहीं दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप निकाल सकती हो या नहीं निकाल सकती हो। बट मैं उनको बस एक एक्सक्यूज़ बना रही हूँ, बट मुझे भी ये था कि बाहर, क्योंकि मैं अभी इतने सालों से बाहर रही हूँ, तो घर के जो कम्फर्ट्स होते हैं, घर पे रहना, घर पे खाना,
और एकदम आप फ्री, स्ट्रेस फ्री रहते हो, एकदम माइंड आपका बहुत कूल और फ्री रहता है। तो जब बाहर में आप जाते हो तो आपको ऑब्वियसली आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से करनी होती है कि हर चीज अपने से देखना होता है, राइट। तो मैं अभी चाह रही थी कि नहीं यार थोड़े घर के मजे लिए जाए, तो मैं फाइनल एंड में उनको मैं मना कर दी, ठीक है। फिर मैं देखी कि चलो होम स्टे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी कोर्ट जा रही हूँ, वहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं सोची कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ का मैंने ऑफर बंद मतलब रिजेक्ट कर दिया। बट मैं ये देख ली कि ठीक है क्या सवाल पूछ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या इंटरव्यू में सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं पहले डर रही थी कि कैसे सवाल होंगे, तो इंटरव्यू जब आप देते हो ना तो आपको एक एक्सपीरियंस भी आता था, मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ दो राउंड्स के, तो मुझे पता चल गया था कि चलो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगी, और कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आपसे सवाल पूछते हैं, बहुत मेरे से बहुत सिंपल सवाल पूछे थे। और एक पहला राउंड में तो आपकी भी पर्सनालिटी को एक्सेस करते हैं, एज वेल एज आपसे आपके कोर सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सेकेंड राउंड में आपकी पैनल बेंच थोड़ी, क्योंकि ये जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था उसमें यही था कि पैनल, पहले राउंड में 3 प्रोफेसर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और उसके बाद दूसरे पैनल में उन कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के डीन, उनके प्रोफेसर्स वगैरह थे, मतलब 5 लोगों की थी, 5 लोगों का ऑनलाइन पैनल में थे, उन लोगों ने मुझसे सवाल किए। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप नहीं जवाब दे सकते हो, तो आपको बस अपने सब्जेक्ट्स पे या फिर आप जो काम किए हो उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और मेरा ये है कि मेरा एक्चुअली में हर चीज़ पे एक्सपीरियंस है, मैं रेगुलर कॉलेज भी, मैं अपना लॉ स्कूल भी जब पढ़ी थी तो रेगुलर ही कॉलेज मेरा था, मास्टर्स भी मेरा रेगुलर रहा है, और वर्किंग के लिए भी ऐसा कोई फांकीबाजी नहीं, मतलब मैं आई हैव बीन देयर एंड आई हैव डन माई वर्क, तो ऐसा कुछ ब्लफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर एक मेरे पास एक्सपीरियंस जेन्युइन है कॉर्पोरेट में काम करने का, तो बहुत इजीली मैं अपना इंटरव्यू एस कर दी, तो कुछ डिफिकल्टी आया नहीं। आपने भी एक सही तरीके से अपने इंटर्नशिप्स, अपने कॉलेज के क्लासेस एज वेल एज अपने यदि वर्क किए होंगे, एक्सपीरियंस है वो जेन्युइनली किए हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो भी आप जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो वहाँ आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आने, ज़्यादा क्या कुछ भी मुश्किल नहीं आने जा रही है। और आपको आपके मास्टर्स के बाद आपको नेट की क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, तो यदि आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत जगह PhD मांगते हैं, बट मेरा PhD अभी परसुइंग ही है, मेरा PhD में मतलब थीसिस से सबमिट होके आई एम नॉट अ PhD कम्प्लीट पर्सन, मतलब अभी मेरा PhD चल ही रहा है। तो बहुत जगह आपसे पूछते हैं कि आप PhD परस्यूइंग हो या आपका PhD हो गया है। जब मैंने ये IPU का दिया था तब मेरा PhD में एडमिशन भी नहीं हुआ था, बट मेरा नेट क्वालिफाइड, तो यदि आप नेट क्वालिफाइड हो तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अपने आंसर्स करेक्ट करना, अनफॉर्चुनेटली ये वाला मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैं झारखंड में वैकेंसीज देख रही थी, तो झारखंड में कुछ वैकेंसीज मुझे मिल नहीं रहे थे, मतलब जो जिस तरीके का वैकेंसी मैं चाह रही थी वहाँ पे था नहीं। एक एमिटी रांची का डेफिनेटली है, बट वहाँ PhD वो मांगते हैं और 5 साल को पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो उस हिसाब से मैंने वहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया। रीज़न बीइंग एक तो मैं PhD मेरा कंप्लीट है नहीं, और दूसरा कि 5 साल का अभी मेरा 1 साल भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने उन्हें वहाँ पे भेजी नहीं। उसके अलावा मैं देखी तो एक छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है वहाँ, बट उनके वैकेंसी पिछले साल ही उन्होंने निकाला था 2023 में, तो अभी ओपन है नहीं, तो फिर ओपन जब है नहीं तो मैं वहाँ पे भेज नहीं सकती थी। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई कि नहीं झारखंड में तो वैकेंसीज है नहीं, अब क्या किया जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना फिर अपना रेगुलर काम जो भी था कोर्ट वर्क मैं अपना चालू की। उसके बाद मैं सोची जिस शहर में मैं हूँ वहाँ पे मैं सोची यहाँ पे जो लॉ कॉलेज है वहाँ का देखा जाए। और फॉर्चुनेटली जिस दिन मैं वेबसाइट ओपन की थी उसी दिन इनका वॉक इन ड्राइव वे चल रहा था, वॉक इन इंटरव्यू चल रहा था, तो फिर कुछ मुझे ऐसा पोर्टल नहीं दिखा कि जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जहाँ पे मैं सबमिट कर सकती हूँ। क्योंकि प्रीवियसली जहाँ भी मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म था या फिर उनके HR को भेजना था, बट ये वाले जो मेरे शहर का है यूनिवर्सिटी कॉलेज, नॉट यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है
वहां पे बस ये था उनके पोर्टल पे वॉक इन इंटरव्यू, मतलब वो ऑनगोइंग चल रहा था, बट वहां पे ना ही एचआर का दिया था, क्योंकि जितना मैं स्क्रॉल कर पाई मुझे एचआर का नहीं दिखा था, ना ही मेल मिला था, ना ही नंबर मिला था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो कैसे करूँ, और ना ही कोई फॉर्म था रजिस्ट्रेशन फॉर्म जहाँ मैं भेज सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं एड्रेस देखी कॉलेज का, और कॉलेज का एड्रेस फिजिबल था मेरे लिए जाना, मैंने पता कर लिया था यहाँ के स्टूडेंट से, जो कि क्योंकि मेरा एक लिंक्डइन का बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो मैं वहाँ के जो स्टूडेंट जो पढ़ते थे उस कॉलेज से, मैंने उनसे उनका कॉलेज का टाइमिंग पूछा, और नेक्स्ट डे मैं अपने रेज्यूमे लेके मैं वहाँ गई, एंड फिर पता चला कि वहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, बाकी एप्लीकेंट्स थे उनके साथ, मैंने भी पता किया कि क्या कैसे क्या सीन है, फिर वहाँ मैंने अपने रेज्यूमे दिए, फिर उनका इंटरव्यू हुआ, जो प्रिंसिपल है उन्होंने इंटरव्यू स्केड्यूल किया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स यू नो सबमिट करने थे, और एक डेमो क्लासेस हुई, और विद दैट आई गॉट माय मतलब उसी इंटरव्यू का ही लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस था, 25 मिनट्स का डेमो क्लास मुझे मतलब लेने थे, क्लास कंडक्ट करानी थी, सिर्फ 25 मिनट्स था, ज़्यादा टाइम था नहीं, मतलब तो एक छोटा सा ही ब्रीफ लेक्चर प्रेजेंटेशन मुझे करना था स्टूडेंट्स के बीच में, और विद दैट आई गॉट माय यू नो ऑफर लेटर टू बी द असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर हियर, तो विद दिस आई गॉट यू नो आई बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दिस लॉ स्कूल। तो मेरे पूरे जर्नी में मुझे जो चीज़ फील हुआ कि इंटरव्यू प्रोसेस कहीं का भी डिफिकल्ट नहीं होता है, और आप यदि आपसे वो क्वालिफिकेशंस आपका देखते हैं, आपका नेट क्वालिफाई है कि नहीं ये देखते हैं, क्योंकि यूजीसी का नॉर्म है कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो यदि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो फिर कोई ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पे अच्छा कमांड होना चाहिए, और इंटरव्यू आपके लिए बस एक किक वॉक के जैसा होगा, आप आराम से अपना कर लोगे, आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इन हैंड होना चाहिए, मतलब हैंडी रखिए अपने 10th के मार्कशीट, 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, नेट सर्टिफिकेट, वो सब आपको सबमिट करना है, अलॉन्ग विथ आपके आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, जो भी आपके कॉलेज मांगेंगे, और ओब्वियसली आपके फोटोग्राफ्स वो मांगेंगे, वो चीज़ आपको देना होता है, और फिर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको वहाँ से आपका ऑफर लेटर मिलेगा, एंड उसमें ही आपका डेट होता है जिससे आपको पढ़ाना होता है। विथ दिस दैट्स इट इन माय वीडियो, और जो पुराने भी जो मैंने इंटरव्यू क्रैक किए हैं, चाहे इंटरग्रियोन की हो या फिर डेलॉयट में, मेरा इंटरव्यूज का यही एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कहीं भी नहीं पूछेंगे, हो सकता है कहीं कहीं ज़्यादा राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होता है, जैसे मेरा इंटीग्रियोन का ज़्यादा राउंड्स इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ 2 राउंड था, जबकि डेलॉयट में बहुत ज़्यादा मेरे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे। तो ये सब चीज़ों से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना बस कमांड रखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है या फिर जिस चीज़ों पर आप वर्क करने जा रहे हो तो उसका आप कमांड रखिए, एंड थिंग्स वुड बी ईजी फॉर यू। With this, I'm ending this video. I hope it is helpful to you. And thanks for watching. And bye bye.